हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, काफी सारे Realme Narzo 30 Pro 5G यूजर्स वेट कर रहे थे कि उनके डिवाइस में Android 12 बेस्ड Realme UI 3.0 का अर्ली एक्सेस बीटा अपडेट कब तक देखने को मिलेगा। तो जैसा कि अभी क्वार्टर टू स्टार्ट हो गया है एंड Realme की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि आपके डिवाइस में Realme UI 3.0 का अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म क्वार्टर टू में ही देखने को मिलेगा। एक्चुअल में ये बीटा फॉर्म आपके डिवाइस में क्वार्टर टू में कब तक देखने को मिलेगा, आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। इस बीटा अपडेट को आप अपने डिवाइस में कैसे अप्लाई करोगे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। साथ ही किन यूजर्स को इस बीटा अपडेट को अप्लाई करना चाहिए एंड किन यूजर्स को इस बीटा अपडेट को मिस कर देना चाहिए, सभी के बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। तो जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे। तो दोस्तों, Realme Narzo 30 5G डिवाइस में Realme UI 3.0 का अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपके डिवाइस में लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल कर लेना है। इसके लिए आपको अपने डिवाइस के सेटिंग्स वाले ऑप्शन में चले जाना है, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट में चले जाना है एंड वहां पर आपको आपके डिवाइस को लेटेस्ट अपडेट में अपडेटेड करके रख लेना है। तभी आपके डिवाइस में Android 12 बेस्ड Realme UI 3.0 का अर्ली एक्सेस बीटा अपडेट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने डिवाइस में कोई इंपॉर्टेंट वर्क करते हो तो आपको ये अपडेट को बिल्कुल ही मिस कर देना है और आपको ऑफिशियल अपडेट का यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि इस बीटा अपडेट के बाद आपके डिवाइस में हीटिंग इशू, बैटरी ड्रेन, नेटवर्क इशू, हैंगिंग इशू जैसे काफी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकता है। एंड जिन यूजर्स को ये Realme UI 3.0 अर्ली एक्सेस बीटा अपडेट को इंस्टॉल करना है तो मैं आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन में चले जाना है, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट में चले जाना है एंड वहाँ पर राइट कॉर्नर में आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है एंड इसके बाद ही आपको ट्रायल वर्जन देखने को मिलेगा, उसमें भी आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको अर्ली एक्सेस देखने को मिलेगा, उसमें भी आपको क्लिक कर देना है। बट अभी आपको अर्ली एक्सेस शो नहीं हो रहा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वार्टर वन अभी फिनिश हो गया है एंड क्वार्टर टू अभी स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सबसे पहले तो आपको Realme 8 5G, Realme X3 सुपर जूम, Realme X3 डिवाइसेस में बीटा फॉर्म एंड ऑफ अप्रैल तक देखने को मिल जाएगा एंड Realme Narzo 30 Pro 5G डिवाइस में एंड ऑफ अप्रैल तक या फिर मिड ऑफ मई तक बीटा फॉर्म कभी भी देखने को मिल सकता है। और जैसा कि दोस्तों Realme के रोड मैप के लिस्ट में Realme Narzo 30 Pro 5G डिवाइस का नाम ऐड किया गया है एंड आप देख सकते हो क्वार्टर टू में ये डिवाइस शो हो रहा है। तो डेफिनेटली आपको इसमें Realme UI 3.0 का अर्ली एक्सेस बीटा अपडेट देखने को मिलेगा। तो इस अपडेट के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है एंड जैसे ही मुझे इस अपडेट के रिगार्डिंग कोई और इन्फॉर्मेशन पता चलता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अर्ली एक्सेस को क्लिक करने के बाद आपको नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसमें भी आपको क्लिक कर देना है। फिर कुछ सेकंड्स के बाद एक फॉर्म आ जाएगा, उस फॉर्म को आपको अपने ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से अप्लाई कर देना है एंड जैसे ही आप फॉर्म को अप्लाई कर देंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपका फॉर्म 1 से 2 दिन के अंदर पास्ट कर दिया जाएगा एंड इसके बाद आपके डिवाइस के सॉफ्टवेयर अपडेट के सेक्शन में Android 12 बेस्ड Realme UI 3.0 का अर्ली एक्सेस बीटा अपडेट देखने को मिल जाएगा एंड इस बीटा अपडेट का साइज आपको 5GB के आसपास देखने को मिलेगा। बट दोस्तों, इस बीटा अपडेट को इंस्टॉल करने से पहले आपके डिवाइस में जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है उसे आपको कॉपी कर लेना है, क्योंकि इस अपडेट में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपका सारा डाटा क्लियर हो सकता है। इसके अलावा आपके डिवाइस में इस अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए कम से कम 10GB की मेमोरी होनी चाहिए, साथ ही आपका डिवाइस 60% चार्ज होना चाहिए, तभी जाकर आप अपने डिवाइस में Realme UI 3.0 अर्ली एक्सेस बीटा अपडेट को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो दोस्तों, बस यही सभी लेटेस्ट अपडेट सामने निकल के आई थी Realme Narzo 30 Pro 5G डिवाइस के तरफ से, जो कि मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दिया हूं। एंड ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी दोस्तों, आप चाहे तो मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों में ही फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।